गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीन पार्ट होते हैं। जनरल साइंस एक मतलब पसंदीदा जोन है जनरल अवेयरनेस में, एसएससी जेई द्वारा पूछे जाने वाला। तो इनके क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो 20 क्वेश्चंस की चूंकि ये सीरीज है तो इसमें हमने 20 क्वेश्चन छांटे हैं, जो मतलब एक जो विड्थ हो सकती थी फिजिक्स की वो मैंने कवर करने की कोशिश की है। फिर इसके बाद जो मतलब 50-50 क्वेश्चन के कुछ टेस्ट रहेंगे उनमें भी अदर क्वेश्चन शामिल किए जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हेन ए बीम ऑफ वाइट लाइट फॉल्स ऑन ग्लास प्रिज्म द कलर ऑफ लाइट विच विल डेविएट लीस्ट। जब प्रिज्म पे वाइट लाइट पड़ती है तो 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है, विबग्योर बोलते हैं उसको। तो उसमें ये पूछ रहा है कि सबसे लीस्ट डेविएशन किसका होगा, तो जो सबसे लीस्ट डेविएशन होगा वो रेड कलर का होगा। जब बीम ऑफ लाइट ग्लास प्रिज्म में पड़ती है तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है और डिपेंडेंट होती है वेवलेंथ ऑफ लाइट पे, और डेविएशन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ होता है। तो रेड की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है और वायलेट की सबसे कम होती है, रेड की सबसे ज़्यादा होती है, और रेड की चूंकि सबसे ज़्यादा होती है इसलिए डेविएशन रेड का सबसे कम होगा। तो अगर यही क्वेश्चन को वो पूछेंगे तो यहाँ से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं कि अगर व्हाइट लाइट प्रिज्म पे पड़ती है तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड की। सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, वायलेट की। इसके अलावा डेविएशन सबसे ज़्यादा किस में होता है, वायलेट में। सबसे कम डेविएशन किस में होता है, रेड में। दिस क्वेश्चन इज पर्टिकुलरली हैविंग 4 टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आई होप चीज़ क्लियर होगी, फिगर से भी मैंने दिखा दिया है। अगर आपके उस पर स्पष्ट न दिख रहा हो, चूंकि ये पीडीएफ है और पीडीएफ कन्वर्ट होकर जब वीडियो फॉर्मेट में बनती है तो ब्लर हो जाता है थोड़ा सा, तो अपनी क्वालिटी को इंक्रीज कर लीजिएगा ताकि वो चीज़ स्पष्ट दिखे। दूसरा क्वेश्चन है, सोलर एनर्जी इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। ऑप्शन है नॉन रिन्यूएबल, एग्जॉस्टिबल, नॉन कन्वेंशनल या कन्वेंशनल। दो तरीके के सोर्सेज हैं, एक कन्वेंशनल एक नॉन कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज को ही रिन्यूएबल सोर्सेज बोलते हैं, ये चीज़ याद रखिए। नॉन कन्वेंशनल को ही रिन्यूएबल सोर्सेज बोलते हैं, और रिन्यूएबल से आपको समझ में आ जाएगा कि इसे एनर्जी का रूपांतरण किया जा सकता है, और रूपांतरण करने की बात आएगी तो सोलर एनर्जी, बायो एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सभी एनर्जी आती हैं। तो यहाँ पे सोलर एनर्जी क्या हो जाएगी, नॉन कन्वेंशनल हो जाएगी, क्योंकि ये रिन्यूएबल सोर्सेज है। यहीं पे अगर क्वेश्चन में सोलर एनर्जी की जगह बायो एनर्जी या टाइडल एनर्जी या विंड एनर्जी लिखा होता तब भी नॉन कन्वेंशनल होता। क्वेश्चन में नॉन कन्वेंशनल कन्वेंशनल का ऑप्शन ना देके रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल ही दिया होता तो भी ऑप्शन रिन्यूएबल होता। चूंकि रिन्यूएबल यहाँ ऑप्शन नहीं दिया है इसलिए हमें नॉन कन्वेंशनल लगाना पड़ रहा है। बोथ द थिंग्स हैव द सेम मीनिंग। तो आई होप क्लियर है। हाँ, अगर ये पूछा जाए कि ये तो ठीक है कि नॉन कन्वेंशनल और रिन्यूएबल सोर्सेज हो गया, एक कन्वेंशनल सोर्सेज के एग्जांपल क्या है, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं, और इनके एग्जांपल कौन से हैं, जैसे कोल है, इलेक्ट्रिसिटी है, ऑयल है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, ये किस में आएंगे, नॉन रिन्यूएबल या कन्वेंशनल सोर्सेज में आएंगे। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। आपको सही ऑप्शन चुनना है। इंपल्स का फार्मूला पूछा है, इंपल्स सिंपली एफ क्रॉस डेल्टा टी होता है, लेकिन जब एग्जाम में आप सिविल लगा रहे हैं, रीजनिंग लगा रहे हैं, तो फिजिक्स एज इट इज इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो ट्वेल्थ में पढ़ के आते हैं वो स्ट्राइक कर जाए, ये आसान नहीं होता। अब इसमें इंपल्स में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इंपल्स में एक तो एसआई यूनिट पूछ लेंगे आपसे इंपल्स की क्या है, ये ऑप्शन खत्म हो गए। यहाँ पे ऑप्शंस रख दिए, न्यूटन, न्यूटन सेकंड स्क्वायर, न्यूटन पर सेकंड, न्यूटन सेकंड होगा, क्यों, क्योंकि फोर्स का न्यूटन, टाइम का सेकंड, तो न्यूटन सेकंड हो जाएगा। इसी को दूसरे फॉर्मेट में पूछ सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि किलोग्राम इंटू मीटर किसका होता है, न्यूटन का होता है, तो इस हिसाब से मीटर पर सेकंड हो जाएगा। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और इनटू सेकंड करोगे तो सेकंड सेकंड कट जाएंगे तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड बचेगा। इसके अलावा आपसे डायमेंशन में चले जाएंगे, MLT T-2 MLT, तो उसी में बस उसी हिसाब से आप रख देंगे तो MLT-1 आता है इसका। तो इससे रिलेट करके 4-5 क्वेश्चन ये बन गए इंपल्स से रिलेट करके। अगला क्वेश्चन है, एयर वेलोसिटी इज मेजर्ड बाय, एयर वेलोसिटी किससे मेजर की जाती है, एनेमोमीटर से, बैरोमीटर से, दाब मेजर किया जाता है, थर्मोमीटर से, ताप, और हाइग्रोमीटर से क्या मेजर किया जाता है, ह्यूमिडिटी या अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। हाइग्रोमीटर से ह्यूमिडिटी मेजर की जाती है, हाइग्रोमीटर से ह्यूमिडिटी मेजर की जाती है। अगला क्वेश्चन है, द मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू एग्जामिन द टीथ ऑफ पेशेंट्स इज, जो डेंटिस्ट मिरर यूज करता है टीथ देखने के लिए, आपके क्या दिक्कत है, जो कीड़े वगैरह हो जाते हैं उनको देखने के लिए, वो चीज को इनलार्ज देखना जाता है, और इनलार्ज वर्चुअल और इरेक्ट देखने के लिए कॉनकेव मिरर यूज होता है, तो कॉनकेव मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट। ये क्वेश्चन इजीली पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द फोर फिंगर इंडिकेट इन द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या कहता है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल ये कहता है कि ये जो फोर फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करेगी,
मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करेगी, ये वाली करंट को डिनोट करेगी, ये वाली करंट को डिनोट करेगी, और थंब आपका मूवमेंट ऑफ कंडक्टर को डिनोट करेगा। उसने आपसे पूछा है कि ये वाली फोर फिंगर क्या डिनोट करेगी, तो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करेगी। हमने नीचे फिगर भी ये बनाया हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट इंड्यूस्ड है, और ये मूवमेंट ऑफ कंडक्टर है। इसको मोशन बोलते हैं, इसको फील्ड बोलते हैं, इसको इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं, अगर वेन डायग्राम में बनाए तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रेलियोमीटर, रेलियोमीटर इज यूज्ड, रेलियोमीटर पी वाई इसमें साइलेंट है, अब अलग अलग तरीके से लोग प्रोनंसिएशन करते हैं, हमने रेलियोमीटर बोला है, इज यूज्ड फॉर मीजरिंग। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है बट आपको अभी फील नहीं आएगी, जब एग्जाम में आएगा तब रियलाइज होगा। सन स्पॉट, सोलर रेडिएशन, एयर टेम्परेचर, टेम्परेचर एंड प्लांट ऑफ प्लांट्स, तो ये सोलर रेडिएशन को मेजर करता है रेलियोमीटर। ये आपके सामने फिगर में भी दिख रहा होगा, रेलियोमीटर ऐसा होता है, ये वन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है डायरेक्ट बीम ऑफ सोलर रेडिएशन एट द रेगुलर अकरेंस। दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज विद ए ट्रैकिंग मैकेनिज्म टू फॉलो द सन कंटिन्यूअसली। इट इज रिस्पॉन्सिव टू वेवलेंथ बैंड दैट रेंज फ्रॉम 280 नैनोमीटर टू 3000 नैनोमीटर। द यूनिट ऑफ इरेडियंस आर वाट पर मीटर स्क्वायर। कुल मिला के टेक्निकली रेडियोमीटर जो है वो सोलर रेडिएशन के मेजरमेंट में काम आता है। अगला क्वेश्चन है द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन क्या है। डायलिसिस है, रिवर्स ऑस्मोसिस है, डिफ्यूजन है, सेंट्रीफ्यूगेंस पे वर्क करता है। जो पानी होता है और कपड़े होते हैं, दो सब्सटेंस हैं वॉशिंग मशीन में, वेट क्लॉथ्स एंड द वाटर, इनको अलग करने की कोशिश की जाती है, तो वो स्पिन करते हैं और क्विकली स्पिन करते हैं। तो जो वॉशिंग मशीन का फंडामेंटल होता है वो सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, उसकी वजह से वो स्पिन क्विकली करते हैं जिससे मैल निकल जाता है और कपड़े आपके साफ हो जाते हैं। तो दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन विल बी सेंट्रीफ्यूगेशन, वॉशिंग मशीन पूछा जाता है। पेंडुलम क्लॉक कैन रन फास्टर समर विंटर स्प्रिंग सीजन रेनी सीजन। अब इसको कैसे मेजर करेंगे, पेंडुलम स्विंग करता है, हैंग करता है ऊपर से, तो ये जो हैंगिंग लेंथ है ये सर्दी में कम हो जाती है, और टी बराबर क्या होता है 2π√L/g, एल कम हो गई तो टी कम हो गया, टाइम पीरियड कम हो गया मतलब स्पीड बढ़ गई, तो कहाँ फास्ट करेगा जब एल कम होगा, एल कब कम होगा जब श्रिंक करेगा, श्रिंक कब करेगा जब विंटर होगा। अभी अगर हम यही क्वेश्चन बदल दें, रन स्लोवर इन तो समर हो जाएगा, फास्टर इन तो विंटर हो जाएगा, रीजन क्या होगा श्रिंक एक्सपैंड, रेल की पटरियां सिकुड़ जाती हैं, बढ़ जाती हैं गर्मियों में सर्दियों में, कक्षा 10 में पढ़ते थे आप लोग, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन विंटर होगा। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा विंटर, द रीजन इज श्रिंकिंग ऑफ हैंगिंग पेंडुलम लेंथ। अगला क्वेश्चन है स्फेरिकल फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप इज ड्यू टू, स्फेरिकल फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप क्यों होती है, क्योंकि मिनिमम सर्फेस एरिया को करने की वजह से होता है, जिसके पीछे रीजन सर्फेस टेंशन होता है, तो करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट होगा। केरोसिन राइजेज इन द विक ऑफ द स्टोव इज ड्यू टू, केरोसिन जो स्टोव पुराने जमाने में जब अब भी यूज करते हैं लोग, स्टोव में जब मिट्टी का तेल डालते थे तो अपने आप बत्ती में चढ़ता था, क्यों चढ़ता था, कैपिलरी एक्शन की वजह से। अगर कैपिलरी एक्शन ऑप्शन में दिया होता तो उसको प्रायोरिटी दे देते, लेकिन जो कैपिलरी एक्शन अकर करता है वो केरोसिन ऑयल सरफेस एक बल्ज फॉर्म करता है सरफेस टेंशन की वजह से, और उस बल्ज से पोर्स में आपका केरोसिन ऑयल चढ़ता है, पोर्स विक में होते हैं तो वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू चढ़ता है। अब हम जड़ की बात कर रहे हैं कि यस क्यों चढ़ता है, चढ़ता तो कैपिलरी एक्शन से है, क्यों चढ़ता है, ड्यू टू सरफेस टेंशन दैट इज विद इन द केरोसिन ऑयल फॉर्म से बंच, तो करेक्ट ऑप्शन यहां पे सी होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाइल फ्लोटिंग इन ए सी व्हाट पार्ट ऑफ एन आइसबर्ग इज अबव द सर्फेस ऑफ द सी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता 1/10। अगला क्वेश्चन है द टर्मिनल कलर बैंड्स ऑफ द रेनबो आर, टर्मिनल कलर मतलब इधर और इधर के, और रेनबो में विबग्योर होता है तो एक तरफ क्या होगा वायलेट, दूसरी तरफ क्या होगा रेड, तो वायलेट एंड रेड। 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ होती है, ये तो ठीक है कि हमें वेवलेंथ अभी हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया किसकी ज्यादा किसकी कम, अगर मान लो रेंज पूछ दी जाए तो कहां से कहां है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। द मिनिमम हाइट ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू सी होल स्टैंड अप इमेज ऑफ ए मैन ऑफ हाइट 1.5 मीटर सेल बी, किसी भी व्यक्ति की पूरी इमेज देखने के लिए मिनिमम हाइट ऑफ मिरर कितनी होनी चाहिए, जो
जब किसी पे रे गिरती है तो इक्वल इंसिडेंस का एंगल इक्वल रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। जब इस फंडामेंटल चीज़ को लगाओगे तो उससे आपकी जो फिजिक्स लगेगी उससे जो कंक्लूजिव रिजल्ट आएगा वो ये आएगा कि जो साइज ऑफ मिरर होना चाहिए वो 1/2 पर्सन हाइट होना चाहिए। और यहाँ पे पर्सन की हाइट दे दी है 1.5 मीटर, तो साइज ऑफ मिरर हो जाएगा 1.5/2 यानी 0.75 मीटर। फॉर द मायोपिक आई द डिफेक्ट इज क्योर्ड बाई मायोपिक आई, जो मायोपिया है ये एक विजन कंडीशन है, एक रोग है जिसमें पर्सन को नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स फर्दर अवे होते हैं वो ब्लरी दिखते हैं। हेंस द फार पॉइंट ऑफ द आई इज रिड्यूस्ड, दूर का मतलब आपका आँख खराब हो गया है। टू क्योर दिस वी शुड यूज ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ सच दैट इट फॉर्म्स द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट इन्फिनिटी एट द डिस्टेंस ऑफ द फार पॉइंट ऑफ द पर्सन। और ये काम कौन करता है, ये काम कॉनकेव लेंस करता है। जनरली लोग रट लेते हैं मायोपिक आई मतलब कॉनकेव, लेकिन उसके पीछे फंडामेंटल ये बात जो हमने अभी कही वो लागू होती है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एंटी फ्रीज फॉर द ऑटोमोबाइल इंजन। ऑटोमोबाइल इंजन के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करना, हीट को एब्जॉर्ब करना, ये रोल होता है एंटी फ्रीज का। और एंटी फ्रीज सबसे अच्छा इंजन में काम करता है, उसको बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकोल। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेटर, 220 वोल्ट जनरेटर से कनेक्ट है कौन सा इलेक्ट्रिक बल्ब। द करेंट इज 0.5 द पावर ऑफ द बल्ब। ये आपको V की वैल्यू दी है, आई की वैल्यू दी है, पावर क्या होता है वी इंटू आई। 220 में 0.5 यानी 1/2 का गुणा करोगे तो 110 वाट आएगा, तो करेक्ट ऑप्शन आपका 110 वाट हो जाएगा, पी बराबर वी आई, वेरी सिंपल। अगला क्वेश्चन है ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी इच। अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है तो कौन है, तो ये है आपका डायनमो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो इलेक्ट्रिक मोटर होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। अगर पूछता मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो कौन सा होता, डायनमो होता। ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है, अगर वोल्टेज को बढ़ा रहा है तो स्टेप अप है, वोल्टेज को घटा रहा है तो स्टेप डाउन है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है पूछा जाता है एसी को डीसी में बदल दे, एसी को डीसी में बदल दे और डीसी को एसी में बदल दे, इन दोनों में कौन रेक्टिफायर है कौन इन्वर्टर है, कमेंट में बताइएगा। एक को नाम देते हैं रेक्टिफायर, एक को नाम देते हैं इन्वर्टर, कौन करता है, एसी को डीसी में कौन करता है और डीसी को एसी में कौन करता है, ये आप बताइएगा। 1.6 मिली एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए कॉपर वायर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल पास पर सेकेंड थ्रू ए एनी पॉइंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप पूछे जाने में कोई दिक्कत नहीं है, करंट की वैल्यू दे दी है वो और आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात आए तो क्यू बराबर एन ही याद आता है माइंड में, यन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ई उसकी वैल्यू 1.6×10⁻¹⁹। आपसे पूछा क्या है, एन की वैल्यू पूछी तो क्यू पता होना चाहिए, क्यू कैसे पता होगा, क्यू बराबर आई टी लगाएंगे और क्यू बराबर आई टी लगाएंगे तो पर सेकेंड आपको आई की वैल्यू लगाए देनी है, तो आई की वैल्यू 1.6 मिली एम्पियर है तो 10⁻³ रख दीजिए इंटू टी की वैल्यू 1 रख दीजिए और उसमें इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख दीजिए 1.6 इंटू 10⁻¹⁹। अब मन में आ रहा होगा टी की वैल्यू 1 कहाँ से मान ली, दिया है इलेक्ट्रॉन विल पास पर सेकेंड टी की वैल्यू दी है, तो दो सिंपल फार्मूला लग रहे हैं क्यू बराबर एनी और क्यू बराबर आई टी, यानी एनी बराबर आई टी, टी की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 1.6 मिली एम्पियर, एन की वैल्यू पूछी है, ई की वैल्यू आप जानते हैं कितना आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पे, तो लगा देंगे तो ये क्वेश्चन लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन को लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 20 क्वेश्चन का सेटअप था ये, तो लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मिलाना है, आपके सामने इधर साइंटिस्ट दिए हैं इधर लॉज दिए हैं। लॉज ऑफ मोशन किससे रिलेट करता है, न्यूटन से। केपलर का काम क्या था, लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन 1, 2, 3 देना। प्लेनेटरी मोशन नहीं होते कि ये इस तरीके से हम पढ़ते हैं टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, 12th में हम लोगों ने पढ़ा था ऑर्बिट के नियम, ऑर्बिट्स ला फर्स्ट, ऑर्बिट्स ला टू, केपलर्स ला फर्स्ट, केपलर्स था, उसको प्लेनेटरी मोशन ऑफ लॉज बोलते हैं। तो केपलर आपका D2 हो गया, C1 हो गया, D2 और C1 सिर्फ एक ऑप्शन में है ए में, बाकी सिंपल है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हैजनबर्ग ने दिया है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हर्ट्ज और आइंस्टीन दोनों का है, हर्ट्ज ऑप्शन में नहीं है तो आइंस्टीन पे आ जाएंगे हम, मतलब दोनों ने अलग अलग समय पे उस पर वो रिसर्च किया है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रिलेटेड टू आइंस्टीन, हैजनबर्ग हैव गिवन द प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी,
और अदर्स दो आपने मैच कर लिए। तो इस तरीके से ये 20 क्वेश्चंस आपके फिजिक्स से थे। स्पीड थोड़ी इसलिए रही कि समय का अभाव रहता है, तो ताकि वीडियो टाइम से पढ़ता रहे। नेक्स्ट वीडियो में केमिस्ट्री और अप्रैल चूंकि मंथ खत्म हुआ है तो पार्ट वन करेंट अफेयर पढ़ चुकी है, पार्ट टू करेंट अफेयर पढ़ेगी। और मई से डेली बेसिस पे मॉर्निंग में मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि बिल्कुल एक सर्टिफाइड वे में डेली आपको जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन मिले। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन फ्री मॉक एंड वेल रिसर्च्ड, इवन दैट मे बी कंसिडर्ड एज पेड। अगर आपकी श्रद्धा है, ट्रस्ट है कि इसके थ्रू मेरी लर्निंग अच्छी होगी, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू पुट 50 क्वेश्चंस डेली बेसिस इन ए स्पीडी मैनर, सो दैट व्हेन यू अपीयर। आप कोशिश ये करिएगा कि आप रात को 11 बजे चैनल पे जाइए, क्लिक करिए, उसके कम्युनिटी पे जाइए और जहाँ से आपने क्वेश्चन छोड़ा है वहाँ तक जाके रिवर्स जाइए। मे भी किसी दिन ऐसा हो जाए कि क्वेश्चंस पूरे ना हो पाए, मे भी किसी दिन, बट माई मतलब इफ आई एम सेइंग देन आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कम्प्लीट दैट वर्डिंग। तो आपको इतना भी हो सकता है कि अगर एक दिन 50 MCQ मिल रहे हैं आपको जनरल अवेयरनेस का, तो हो सकता है नेक्स्ट डे गैप रहे, फिर उसके नेक्स्ट डे आपको 50 MCQ मिलेंगे, आपको पूरा प्रॉपर मॉक टेस्ट मिलेगा, ठीक है। और हर दिन आप मतलब अगर आपको पूरे दिन क्वेश्चन नहीं मिल रहे तो आप 11 PM पे जाइए कम्युनिटी पे, आपको क्वेश्चन मिलेंगे जरूर, कोई दिन खाली नहीं जाएगा। और इस तरीके से अभी 1 month है, हम पूरा एफर्ट लगाएंगे कि जो लोग भी इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, क्वेश्चन को फॉलो कर रहे हैं, वो हमसे व्हाट्सएप पे भी जुड़ जाएं। जो PDFs मेरे पास हो सकती हैं अवेलेबल, ऑल्दो मैंने जो PDFs हैं इकोनॉमी की, ज्योग्राफी की और मॉडर्न हिस्ट्री की अटैच कर दी है डिस्क्रिप्शन में, एंशियंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री की 11 PM तक अटैच हो जाएंगी। इसके अलावा जो फिजिक्स है इसकी भी इसी 11 PM तक अटैच हो जाएगी। जितनी भी वीडियोज पढ़ेंगे उनकी PDF उसमें 11 PM तक ऑन दैट डे अटैच होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, किसी भी दिन चूकेगा नहीं मैटर, ठीक है। होपफुली यू आर डूइंग वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।